मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्क्वायर निकालने की ज़बरदस्त ट्रिक्स बताएंगे। जस्ट एग्जांपल फॉर, जैसे 52 का हमें स्क्वायर बताना है, तो 52 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम 4 नहीं लिखेंगे इसमें, लिखेंगे हम 2 डिजिट में लिखेंगे हमेशा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। और 52 में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, कितना हुआ 54, और 54 का क्या करना है, हाफ कर देना उसका, तो कितना बनेगा 27। ऐसे ही हमें 54 का स्क्वायर बताना है, तो 54 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 54 में 4 को ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 58 का हाफ करेंगे कितना आएगा 58 का हाफ करेंगे कितना 29। अब आप लोग इसमें, अब जैसे हमने कहा 50 से, अब हमें 48 का बताना है, अभी तक हमने क्या है 50 से ऊपर वाला नंबर बताया था, अब हमें बताना है 50 से नीचे वाला नंबर। जैसे हमने कहा 48 का स्क्वायर में बताना है हमें, तो 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, और वही 2 जो कम था 50 से उसमें क्या करेंगे, 48 में 2 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 48 में 2 माइनस करेंगे 46, उसका हाफ कर देंगे कितना आएगा 23। डायरेक्ट ट्रिक है। अब हमें जैसे मान लो 47 का बताना हो, तो 47 का स्क्वायर सेम प्रोसेस भैया, 03 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। हमेशा 2 डिजिट में ही इसको लिखेंगे हम, 47 में से 3 क्या करेंगे माइनस, कितना बनेगा 44 का क्या करेंगे हाफ, कितना आएगा 22। अब ऐसी हमें बताना है 67 का स्क्वायर, तो 67 के स्क्वायर में क्या करेंगे, देखो 67 50 से कितना ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो हम केवल 2 डिजिट लिखेंगे 89। और 67 में 17 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हुआ 84, जब हम उसमें ऐड करेंगे, और 84 का हाफ करेंगे कितना बनेगा 42, और उसमें जो हमने कैरी किया था 2 उसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 4489। अभी तक तो हमने सीखा कि हम 50 के नज़दीक वाले नंबर ऊपर थे, नंबर 50 से कुछ नंबर 50 से कम थे, अब हम सीखेंगे मान लो 100 का हो, 100 नज़दीक वाले, जैसे हमने कहा 102 का स्क्वायर बताना हमें, तो हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, और 102 में क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे 104, इज करेक्ट आंसर ए। ऐसे ही हमें मान लो 105 का करना हो स्क्वायर, तो 105 में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 105 में 5 को ही हमें ऐड कर देना है, तो कितना हुआ 110। और देखो जैसे हमें बताना हो कि मान लो 115 का स्क्वायर बताना है हमें, 115 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 25 लिखेंगे केवल 2 डिजिट और 2 कैरी। अब 115 में क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 130, उसमें जो 2 कैरी किया वही ऐड करेंगे 132, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, अभी हमने क्या बताया आपको, 100 से ऊपर वाले नंबर बताए थे, अब कोई ऐसा हो सकता है कि 98 का स्क्वायर हो, तो वो कैसे बताएंगे, 97 का वो कैसे बताएंगे, जैसे हमने देखा 97 का स्क्वायर बता दिया ऐसे, तो 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, और 97 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बनेगा 94। समझ में आया। अब ऐसे जैसे हमने कहा 50 वाला बदलेगा 50 नज़दीक, ऐसे हमने कहा अब 200 के नज़दीक भी नंबर होगा कि 205 है या 208, ऐसे कोई नंबर होगा, तो हमने देखा कि मान लो 208 का स्क्वायर, तो 208 का स्क्वायर में क्या होता है कि हम 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, और 200 में 8 को हम ऐड कर देंगे तो 216 बन जाएगा, लेकिन ये 100 का 2 गुना है, 200 मान लेंगे इसको, 208 है, तो क्या करेंगे 216 का 2 गुना और कर देंगे इसमें, कितना होगा 216 का 432, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि 614 का हो मान लो, इसका स्क्वायर करना है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होता, 96 केवल 2 डिजिट लेंगे, 1 को कैरी रखेंगे, तो 614 में 14 को ऐड करेंगे तो 628, और 628 में हम क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे,
37 6 इसमें एक ऐड कर देंगे तो 37 6 9। तो बाकी भी ऐसी 500 का बनेगा, 502 ऐसी, 602, सभी के सभी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा हमारे